हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ वो है कोचिया प्लांट। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट है और स्पेशली ये इन दिनों के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। इसको ज़रूर लाएँ घर में, ला करके इसको लगाएँ अपने, क्योंकि ये प्लांट है समर प्लांट। जब समर का टाइम होता है, गर्मियां होती हैं बहुत ज़्यादा और हमारे ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियां सूख जाती हैं और जो है डल हो जाते हैं प्लांट, उस समय के लिए ये प्लांट बेस्ट है क्योंकि ये समर प्लांट है और ये काफ़ी हद तक गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। तो इसलिए इसको इस सीज़न में तो आप स्पेशली ला के लगाइए, क्योंकि ये जो सीज़न होता है इसके लिए मार्च से लेके ये अक्टूबर तक बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ये इसका जो है सर्दियां जो पीरियड होता है वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, फिर ये काफ़ी डल हो जाता है, पत्तियाँ भी इसकी मुरझाने लग जाती हैं और ये कभी कभी सर्दियों में मर भी जाता है। ज़्यादातर प्लांट्स विंटर्स में जो हैं डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और इन दिनों क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है तो अभी तो आप इस प्लांट को लाके लगाएंगे तो आराम से ये ग्रो भी कर जाएगा और आपकी इसकी जो रूट्स हैं वो भी एडजस्ट कर लेंगी एनवायरमेंटल को आपके घर के। और ये जो है थोड़ा सा जो है हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट का मतलब यही है कि ये आराम से अपने जो है उसको गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। तो मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो मैंने वाइट वाइट डाल रखा है ये मैं हटा देती हूँ। ये मैंने थोड़े से मिनीएचर्स लगा के रख देती हूँ हर प्लांट में कुछ ना कुछ, तो मैं हटा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वाइट वाइट जो इसमें पॉट में मैंने डाल रखा है ये है फ्रेंड्स एक्सेल फर्टिलाइज़र। इसका मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था, आप इसको ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं, इसका लिंक और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ये एग्शेल फर्टिलाइज़र जो होता है बहुत बेस्ट होता है प्लांट्स के लिए, वो मैंने बना के इसमें डाला है सभी प्लांट्स के अंदर। तो ये वो दिख रहा है आपको अच्छे से, अभी अंदर तक जा नहीं पाया है। तो चलिए अब मैं सॉइल की सबसे पहले बात कर लेती हूँ। इसकी सॉइल जो मैंने तैयार करी है फ्रेंड्स, इसमें मैंने चार चीज़ें मिलाई हैं। 25% मैंने गार्डन सॉइल मिलाई है, 25% मैंने सैंड मिलाई है और 25% मैंने कोकोपीट भी मिला दी है, थोड़ा सा उससे मॉइस्चर रहता है सॉइल के अंदर। और 25% मैंने इसके अंदर फर्टिलाइज़र मिलाया है। इसमें फर्टिलाइज़र में अपन जो है कंपोस्ट मिला सकते हैं, काउडंग मिला, कोई सी भी पत्ती की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, कोई सा भी डाल सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र अभी मेरी सलाह है कि आप इन दोनों मत दें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी की बात कर रही थी मैं, तो गर्मी ये बर्दाश्त कर लेता है पर वो वाली गर्मी से भी इसको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा लू चलती है। लू, अब आप जिस कहाँ पर रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर लू नहीं चलती है, पर हम लोगों के यहाँ बहुत लू चलती है। उस समय इसको थोड़ा सा हमको ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको गर्म हवा से हम बचा सकें, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है जो हमारे यहाँ चलती है राजस्थान में। तो बाकी और जगह तो आप इसको पूरे दिन सनलाइट में रख दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस प्लांट को। फ्रेंड्स, ये प्लांट अपनी ग्रीनरी की वजह से ही बहुत फेमस होता है और ये जो है एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल चलता है बहुत बढ़िया। इसको इसलिए लगाते हैं कि लाइन से इसको लगाते थे ना, बड़ा प्यारा लगता है। ये बुशी बुशी सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, ग्रीन प्लांट है ये। ये देखिए आप, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो हांडी है मेरी, ये एक्चुअली मेरे को किसी ने गिफ्ट दी थी ये मटकी, तो मैंने इसमें होल करके और इसमें प्लांट लगा दिया। मैं बहुत बड़ी प्लांट लवर हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे को हर चीज़ में ऐसा लगता है हर चीज़ में पौधे लगा दूँ मैं। तो ये मटकी मेरे किसी काम भी नहीं आ रही थी, तो मैं दुकान पे गई, इसमें ड्रिल से छेद करवा के लाई और मैंने इसमें देखिए कोचिया प्लांट को ग्रो किया है। और ये कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर, इसका लुक बहुत बढ़ गया है इसकी वजह से। एक तो ये प्लांट बड़ा खूबसूरत है। इस प्लांट की ये खासियत है कि ये थोड़ा सा बैलून शेप का होता है और ये जो है डोम शेप भी ले लेता है, और थोड़ा सा ये अगर डी शेप हो रहा है तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही अच्छे से ये बहुत बढ़िया शेप लेगा, ग्रो करेगा बहुत बढ़िया। और लाइट की आपको मैंने बताई थी इसकी कि लाइट इसको बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपने इसको इन शेड में रख दिया है या सेमी शेड में रख दिया है तो ये ग्रो अच्छे से नहीं करेगा, इसको बहुत अच्छी लाइट चाहिए, लाइट बहुत बढ़िया चाहिए इसको। आप पूरा ब्राइट लाइट में रखें या तो या बिल्कुल धूप में ही रख दीजिए इसको। अब मैं बात कर लेती हूँ इसमें पानी की, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है तो डेली पानी चाहिए इसको, तो आप डेली इसके अंदर पानी दें वरना ये मर जाएगा। लेकिन इतना भी मत दीजिए कि आपने आज पानी दिया और मिट्टी अगले दिन तक बहुत ज़्यादा गीली है तो आप जो है फिर से पानी दे रहे हैं तो वो सौगी हो जाएगी, तो इतना सौगी भी नहीं करना है इसकी मिट्टी को।
बहुत ज़्यादा सोगी होने से इसकी जो है मिट्टी जो है ज़्यादा गीली हो जाएगी तो रूट्स इसकी मर जाएंगी। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए अच्छे से, ताकि पानी आप जो दे रहे हैं वो ड्रेन हो जाए आराम से, तो वो प्लांट मरेगा नहीं। दूसरी बात ये इसमें ख़ास तौर पे कि इसके अंदर आप NPK ज़रूर डालिए, इसकी मिट्टी में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए NPK का, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। अभी डाल रहे हैं तो महीने में एक बार डालिए, बहुत कम डालिए क्वांटिटी। जैसे मेरा जो ये पॉट है इसके हिसाब से अगर मैं बता रही हूँ तो आप इसके अंदर खाली 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के डाल दीजिए, और वो जो आप घोल बना रहे हैं उसका उसको पत्तियों पे ज़रूर स्प्रे कीजिए, तो भी बहुत पत्तियाँ एकदम ग्रीन कलर का जो शेड आएगा लीव्स के अंदर वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से आप इसकी ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया एकदम लुक आएगा इसका, ग्रीन इसके। इसको देख करके फ्रेंड्स इतना अच्छा लगता है कि ऐसा मतलब मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि इतना प्यारा लगता है ये ग्रीन कलर। जब ये प्लांट अच्छा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ऊँचा नहीं जाता है, तो अगर ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो ये मैच्योर हो जाता है, तो इसमें सीड्स आते हैं, आप उनको इजीली ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में डाल के। सीड्स को बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसमें सीड्स आते हैं छोटे छोटे गोल, तो आप उससे इनको ग्रो कर सकते हैं, प्लांट को बहुत सारे बना सकते हैं। बस खासियत ये है कि इसकी आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो इसको इसकी आप प्रूनिंग करते रहिए, जितनी अच्छे से प्रूनिंग करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग मत करिए क्योंकि सीज़न गर्मी का है, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहिए तो ये बहुत अच्छा सा बुशी हो जाएगा, एकदम बैलून शेप हो जाएगा। इसको शेप आप दीजिए गोल, इतना डोम शेप बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे दी है, कोशिश करिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की इसके बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको जानकारी लेनी है अगर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ, बाय बाय।